शांति। आज की तारीख है 14/12/16 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि भारत भूमि किसकी जन्म भूमि है। आप और मैं और हम सभी कहेंगे हमारी जन्म भूमि भारत है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्म भूमि है और बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। देखो दुनिया में कितने देश हैं, लेकिन हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारी भी जन्म भूमि भारत देश है और स्वयं परमपिता परमात्मा की जन्म भूमि भी भारत देश है। तो हम भगवान की जन्म भूमि में जन्म लिया है, तो ये कितनी नशे की बात है। प्रश्न है, सबसे ऊंची और बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है। उत्तर है, इस ड्रामा के आदि मध्य और अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। हाँ लंबी तो है, परंतु बहुत विशेषताओं से ऊंची भी है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते, तुम बच्चों के लिए ये कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो कि ये ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है और ये सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। गीत बजा है, ओम नमः शिवाय पितु मातु सहायक स्वामी सखा। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक है, याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर सतो प्रधान बनकर कहाँ जाना है, घर वापस जाना है। दूसरी किसी भी बातों में हमें नहीं जाना है, बस एक ही धुन लगी रहे, मुझे घर जाना है। नंबर दो है, भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, तो इसी खुशी में रहना है और रूहानी सेवा करनी है। वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर वन अधिकारी भव। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख और शांति की अनुभूति स्वतः ही होती है। अब ये पवित्रता की स्मृति रहे तो कोई भूल भी ना होवे, और जब कोई भूल ही नहीं होगी तो सुख और शांति का अनुभव तो होना ही है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर वन रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर वन बनना, इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी भी कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट में जा सकेंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कौन से धर्म में, पवित्रता के सदा स्थित रहना। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति चाहे प्रकृति चाहे परिस्थिति कितना भी आपको हिलावे हलचल में लावे, लेकिन आप अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहें। कौन सी प्रतिज्ञा, धरत पड़े धर्म न छोड़े। माना हमारा सिर भी कट जाएगा तो भी अभी हम बाबा का साथ और बाबा हमारा साथी है, न ये बात भूलेंगे और ना हम साथ छोड़ेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। इनोसेंट माना निर्दोष, बिल्कुल नादान बन जाओ तो बाबा कहते आप सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे, माना संत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।